हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। और उनको जगाने जा रहे हैं जो सही के इर्द गिर्द जो अभी रास्ता के लिए तरस रहे हैं, उनसे भी कहिए कि अगर वो शामिल होना चाहे तो आ सकते हैं। मीटिंग हुई थी विपक्षियों की, तीन स्टेट चला गया, चौथा बैठक की डेट पड़ी है, झारखंड हो गया। इंडिया का किसी का दौर नहीं है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल तक सपा की सरकार थी, बसपा की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, आज भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। जो वंचित शोषित हैं, जिनको हक नहीं ये लोग दे पाए, उनको हक देने का काम एनडीए सरकार कर रही है। और उनको जगाने जा रहे हैं जो सैफई के इर्द गिर्द जो अभी रास्ता के लिए तरस रहे हैं। तो भाजपा बैकअप दे रही है और आप कूच कर रहे हैं, तो क्या माना जाए? उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीट जीत करके माननीय नरेंद्र मोदी जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए लड़ाई हुई। मैनपुरी से ताल ठोंकने वाले हैं क्या? नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 80 सीट पर लड़ाएंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि उनको तो अभी कुछ मिला भी नहीं, वो तो इधर उधर जाते रहते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, उन्हें अपनी चिंता करनी चाहिए। मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है, जल्दी होगा, उनसे भी कहिए कि अगर वो शामिल होना चाहे तो आ सकते हैं। आपको क्या उम्मीद लग रही है? जल्दी हो जाएगा, मंत्रालय में शपथ लेंगे? बिल्कुल लेंगे। 2024 से पहले बतौर मंत्री प्रचार करेंगे? बिल्कुल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए बतौर मंत्री मैदान में उतरेंगे? देखिए, भारतीय समाज पार्टी हमेशा अपने संगठन का काम करती है, चुनाव के लिए 24 घंटा हम तैयार रहते हैं। जहां भी हम रहते हैं, हम लोग ईमानदारी से अपने वोट को जो भी प्रत्याशी रहता है गठबंधन में, उसको जिताने का काम करते हैं। ये शक्ति प्रदर्शन जैसा हो रहा है महासम्मेलन? नहीं, अभी आपको याद होगा कि कोरोना काल में मैंने एक कार्यक्रम किया था, याद होगा आपको, वो करहल में वहाँ किया था, आपके करहल विधानसभा में किया था, ये भोगाव में। अखिलेश यादव के डिंपल यादव जी के क्षेत्र में आए, कुछ कहना चाहते हैं उनके लिए? नहीं, हम उनके लिए क्या कहें, हम तो उन गरीब कमजोर लोगों से कहना चाहता हूँ कि गुलामी छोड़ो और समाज जोड़ो। जो देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो देश की योजनाएं हैं, प्रदेश की माननीय योगी आदित्यनाथ जी की योजनाएं हैं, आज देखिए गांव तक अधिकारी, गांव तक नेता, गांव तक मंत्री, गांव तक विधायक, गांव तक पहुंच करके प्रदेश और देश की जनता की समस्या जो सरकार की योजनाएं उनको देने का काम, दिलाने का काम कर रहे हैं। तीन राज्यों में हैट्रिक मारी है भाजपा ने, क्या लगता है? तीन मीटिंग हुई थी विपक्षियों की, तीन स्टेट चला गया, चौथा बैठक की डेट पड़ी है, झारखंड हो गया। इंडिया गठबंधन को लेकर क्या, झारखंड हो गया ना?